हम सीधे अब विनोद जी के पास चलते हैं, बीजेपी जिसकी सरकार भी है। विनोद जी, अब ये बताइए कि काम कहते हैं, काम बोलता है, काम से ज्यादा लग रहा है कि आप लोग उम्मीदवारों की तरफ हैं कि भाई उम्मीदवार जिताऊ होना चाहिए। जिस तरीके से कभी आपकी पार्टी में लोग आए, पाला बदल गए चुनाव के एंड पहले, और अब अलग अलग बयान भी दे रहे हैं कि भैया घुटन महसूस हो रही है। भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा पर आधारित पार्टी है और एक चयन प्रक्रिया का एक मापदंड है, एक मानक है, उसके लिए मानक और मापदंड बनाए गए हैं। और लोकतंत्र में क्योंकि बहुत बड़ी पार्टी है और निश्चित रूप से दावेदारों की संख्या काफी बड़ी संख्या है, इसलिए सबके साथ न्याय हो और हम लोग अच्छे ढंग से जनता की सेवा में तल्लीन थे और किस तरह से लोगों के लिए अच्छे नेता का चयन हो सके, इन सारी प्रक्रिया से गुजरने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्येक विधानसभा में जाने का जो निर्णय लिया, उसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड सारी चीजों को तय करेगा। निश्चित रूप से हमारे नेता नरेंद्र मोदी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उनके द्वारा इन सब चीजों को और हमारे चुनाव प्रभारी जी द्वारा इन सब चीजों को मुख्यमंत्री बदल जी, इसलिए मेरा क्या कह रहे हैं भट्टी, मैंने कहा मुख्यमंत्री जी जो बोले बहुत ऐसा है भट्टी, आप अभी जो है तो पहले मुझे बोलने दो, जब आपकी बारी आएगी तो आप तब बोलते रहना, आप एंकर को एंकरिंग करने दो, आप एंकरिंग मत करो, है ना। तो भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया, इसके लिए बैठकों का दौर प्रारंभ हो चुका है जी, और आगे भी इसका जो अब रैलियां हैं, उसके बाद फिर जो विजय संकल्प यात्रा है उसको उसके रूप में है, फिर उसके बाद विधानसभा के सम्मेलन है, तो पार्टी अपनी पूरी तरह से जनता के बीच में जाने का जो निर्णय है उसको लेकर जाएगी और जो हमारे विकास के कार्य हैं उन सबको लेकर जनता के बीच जाएगी और उसके 2022 का जो मिशन है उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है उसके लिए जनता से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जनता की आवाज के आधार पर ही सब चीजों का निर्णय भारतीय जनता पार्टी लेगी।